हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जो है बारह सिंह दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार है देखने में। इनके इतनी बड़ी बड़ी सिंह हैं, काफ़ी ख़तरनाक सिंह हैं। देख सकते हैं जालियाँ लगी हुई हैं। ये अंदर जो है जंगल है और अंदर ही है, मैं अभी आप सबको दिखाऊँगी। तो जालियाँ लगी हुई हैं, अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही आप देख सकते हैं। मैं अभी दिखाऊँगी आप सबको। और जिनको चारा खरीद के देना होता, उनको खिलाना होता, यहीं से डाल के देते हैं। तो मैंने भी चारा लिया था और अभी उनको सबको खिलाया। तो आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मेरे ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मैं आप सबको हिरन दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, स्वीट हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है पुष्कर जाते समय, मतलब पुष्कर आते समय जो है रास्ते में पड़ता है, एक जंगल पड़ता है, वहीं पर जो है ये हिरन है और काफ़ी शानदार है। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ। तो अभी मैं पुष्कर भी जा रही हूँ। पुष्कर की भी काफ़ी लोगों ने कहा था वीडियो बनाओ बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज पुष्कर चली जाती हूँ। तो चलिए फिर मैं आप सबको जो है हिरन और बारह सिंह का दिखा देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है बारह सिंह को देखने के लिए, और सब चारा डाल रहे हैं। तो अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से ही बना सकते हैं, मतलब बाहर से ही देख सकते हैं। तो बाहर से मैं आप सबको दिखा रही, देखिए कितनी भीड़ है। अभी मैं आप सबको जो है बारह सिंह का भी दिखाऊंगी। तो आप सब ऐसी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ये बारह सिंह देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इनके सिंह देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये अलग अलग प्रजाति के हैं और बच्चे भी हैं इसमें हिरन के, और बारह सिंह भी हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये पुष्कर जाते समय एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, वहीं पर ये सब रहते हैं। लेकिन जो है जंगल में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि और भी जानवर वहाँ रहते ही हैं, तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तो ये जो है जहाँ पर सड़क है, जहाँ पुष्कर जाते हैं, सड़क साइड में जो है थोड़े से एरिए में जो है ये अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि लोग जो है इनको चारा देते हैं, इसलिए ये आ जाते हैं। तो यहीं से जो है सब बारह सिंघा और हिरन को देख लेते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और साइड में जो है जालियां लगी हुई हैं, अंदर कोई नहीं जा सकता, पर बाहर से जो है जिनको चारा देना होता है बाहर से ही दे देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एनिमल पर ब्लॉग बनाइए, एनिमल पर ब्लॉग बनाइए। बहुत दिनों से एक मेरे भाई हैं दिनेश भाई, वो तो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे एनिमल पर ब्लॉग बनाने के लिए। तो अजमेर में जो है चिड़ियाघर तो है नहीं, जयपुर में है, तो जयपुर जाना हुआ नहीं। तो मैंने सोचा चलो इस पर ही ब्लॉग बना देती हूँ। मैंने थोड़े बहुत और जानवर की वीडियो क्लिप बनाई है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो आप सब बारह सिंघा देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं यहाँ पर जब आई थी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इनको देखकर, क्योंकि दिखने में तो खतरनाक लगते हैं, लेकिन इनके जो चेहरा है बहुत ही मासूम होता है, बहुत सुंदर लगता है इनका चेहरा देखने में, बहुत शानदार लगता है। इनकी सींगे देखिए बहुत ही अच्छी हैं, एक दो की जो है बहुत बड़ी बड़ी सींगे हैं और सबकी जो है छोटी छोटी सींगे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। इनको चारा दे रहे हैं सब, तो ये खा रहे हैं। अभी काफ़ी लोग आए थे, आते जाते रहते हैं देखने के लिए। जो लोग पुष्कर जाते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं इनको देखने के लिए और चारा देते हैं, क्योंकि ये बहुत मासूम हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इनके चेहरे कितने मासूम जैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये जानवर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप सब देख लीजिए, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप सबको ये बारह सिंह कैसे लगे। आप सबने पहले कभी देखा है या नहीं देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, आपको कितनी बार बोल दिया है मैंने, लाइक बहुत ही कम आने लगे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, आप सब शेयर नहीं करते हैं। तो आप सब देख लीजिए, इनको अभी चारा दिया है मैंने, देखिए खा रहे हैं चारा, बड़े प्यार से खा रहे हैं। तो इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरा तो यहाँ से बिल्कुल ही जाने का ही मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने मासूम लग रहे थे, इनको मन हो रहा था कि इनको देखते रहूँ। बहुत ही स्वीट थे ये,
बारहसिंगा और हिरन देखिए कितने प्यार से चारे को खा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता, इसलिए इनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था दिल को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी देख रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको देखती रहूँ, कितने मासूम से बच्चे हैं इसमें। तो आप सब देख लीजिए, आप सब भी बताइएगा कि आप सबने देखा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है मैं आप सबको जो है और भी एनिमल दिखाने वाली हूँ, तो आप सब ऐसी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और काफ़ी लोगों ने पुष्कर की रिक्वेस्ट की है, तो मैंने पुष्कर का भी ब्लॉग बनाया है, मैं आप सबको जो है पूरा पुष्कर घुमाऊंगी, पुष्कर में क्या क्या है वो सब मैं आप सबको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकेगी उसी की आएगी। तो आप सब अगर नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं वो भी वीडियो लाने वाली हूँ। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर ही जो है मैं सारी वीडियो बनाती हूँ, तो आप सब मतलब कमेंट करिए, बताइए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और आप सब देख लीजिए कितने स्वीट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ऐसी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देख लीजिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और एक दो की सींग तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है, काफ़ी खतरनाक सींग है, लेकिन चेहरे से मासूम है, बस सींग ही बड़ी है इनकी। बस देखिए देख रहा है कितनी सींग बड़ी है, बस और चेहरा तो देखिए कितना मासूम है, चारे का वेट कर रहा है कि चारा कोई दे मुझे तो खाऊं। वो देखिए चारा देंगे तो वो खाने लगा अब चारा, आप सब देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये मोर देखिए नाचते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने जो है इनको कवर कर लिया, मतलब रिकॉर्ड कर लिया, ये नाच रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जो है अपने मोबाइल में कवर कर लिया। आप सब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, दो मोर हैं और अभी नाच रहे थे और अभी तो शायद दाना खा रहे हैं शायद, देख सकते हैं कितने स्वीट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में, देख ही सकते हैं आप। उसके साइड में पंख खुले हुए हैं मोर के, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पास जाके मैंने नहीं बनाया था, मैंने दूर से ही बनाया था, आप सब देख लीजिए बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। और ये ऊँट देखिए, पुष्कर गई थी तब मैंने इसको जो है रिकॉर्ड किया था, आप सब देख सकते हैं। इस पर क्या है, सब लोग जाते हैं तो सवारी लेकर जाते हैं ऊँट से। और यहाँ देखिए ये बंदर को जो है अंकल जो है केले दे रहे हैं, बंदर केले ले रहे हैं खाने के लिए, देखिए ऐसे समझदार हैं कि उनको केले पकड़ाए जा रहे हैं और वो सब लेके लिए जा रहे हैं केले और भाग जा रहे हैं खाने के लिए, देखिए कितने स्वीट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको दिखा दिया बारहसिंगा और हिरन। तो आप सबको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।